बल्ले 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 बशा जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैं इतना खुश हो रहा हूँ क्योंकि YouTube ने दिए हैं 3 बिग अपडेट्स जो कि तीनों के तीनों डांसर्स के फेवर्स में है। तो वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। मैं शुभम स्वागत करता हूँ आपका डांस यूट्यूब चैनल शुभनामा ऑफिशियल पर। वीडियो पर नए हैं तो फटाफट से जाके वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूट्यूब 3 बड़े अपडेट्स करने जा रहा है और तीनों डांसर्स के फेवर्स में। डांसर्स के फेवर्स के अलावा भी कई यूट्यूब क्रिएटर्स हैं, उनके फेवर्स में भी वो जाने वाला है। तो पहला अपडेट ये है, जैसा कि आप जानते होंगे या आप नहीं जानते हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि यूट्यूब पर जितने भी डांस क्रिएटर्स थे, जितने भी डांस चैनल थे और जो क्रिएटर्स बैकग्राउंड के अंदर बॉलीवुड म्यूज़िक यूज़ करते थे, उन सभी पर कॉपीराइट क्लेम आने की वजह से किसी भी प्रकार का कोई रेवेन्यू नहीं मिलता था। सारे एड्स के पैसे सब म्यूज़िक इंडस्ट्रीज़ के पास चले जाते थे क्योंकि हर वीडियो के ऊपर कॉपीराइट होता था, चाहे वे 5 सेकंड का ऑडियो काम में ले चाहे पूरा ऑडियो काम में ले। तो अब यूट्यूब ने ये किया है कि जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, म्यूज़िक कंपनियां हैं, जितनी भी जैसे टी सीरीज़ हो गया, सोनी म्यूज़िक हो गया, काफ़ी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन सभी से टाई अप करने जा रही है और जो भी ट्रेंडिंग और पॉपुलर म्यूज़िक वीडियोज़ हैं उनका म्यूज़िक अपन बैकग्राउंड में काम में ले सकते हैं। तो डांसर्स के लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है क्योंकि वो पूरा वीडियो डांस के ऊपर मेहनत करते हैं, वीडियो किसी और का होता है, मेहनत उनकी होती है, तो अब उन्हें मेहनत का फल मिलेगा। और दूसरे क्रिएटर्स की बात करते हैं जो बैकग्राउंड में म्यूज़िक यूज़ करते हैं, वो भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप उन्हीं टाइप के वीडियोस काम में लें जिन पर कॉपीराइट नहीं है। अभी ये जो चल रहा है कुछ सेलेक्टेड क्रिएटर्स के साथ टेस्टिंग फेज मोड पे चल रहा है और ये सबके सभी क्रिएटर्स के लिए लागू होगा, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अनाउंसमेंट ये हुआ है कि ये 1 जनवरी 2023 से लागू हो जाएगा, बाकी अभी कंफर्म नहीं है, कंफर्म न्यूज़ नहीं आई है, कोई कंफर्म डेट नहीं आई है, पर ये हमारे लिए बहुत खुशी की खबर है कि अब कॉपीराइट नहीं होगा और हम भी पैसा कमाएंगे। तो अब बात करते हैं दूसरे अपडेट के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि YouTube का एक क्राइटेरिया होता है 1000 घंटे और 4000 घंटे का वॉच टाइम। 1000 घंटे तो बहुत इजीली कंप्लीट कर लेते हैं, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स से, सर्किल से, अपने रिलेटिव से, सबसे हेल्प ले लेके अपन इस चीज़ को कंप्लीट कर लेते हैं, सबसे भी अपन इस चीज़ को कर लेते हैं। बट 4000 घंटे इज़ नॉट ए स्मॉल अमाउंट, 2,40,000 मिनट एक बहुत बड़ा अमाउंट है, उस पर पहुंचना हर किसी क्रिएटर का बस की बात नहीं होती जब तक उसका वीडियो वायरल ना हो। और रही बात डांसर्स की, तो डांसर्स के जो वीडियो बनते हैं वो बनते हैं 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, इससे ऊपर वीडियोस नहीं बनते हैं। तो जब तक डांस वीडियो वायरल नहीं होता है उनके लिए भी मोनेटाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि यूट्यूब ने जो दूसरा अपडेट दिया है और जो बहुत बड़ा अपडेट है वो ये है कि 4000 घंटे का जो वॉच टाइम है उसको वो लेस करने जा रहा है। सुनने में आया है कि ये 2000 घंटे होने वाला है, 1000 सब्सक्राइबर का तो क्राइटेरिया वही रहेगा, बस जो 4000 घंटे का अमाउंट है वॉच टाइम का 365 दिन का, उसको घटके 2000 घंटे करने जा रहा है। और ये अपडेट भी अपने लिए बहुत अच्छा है क्योंकि अपने वीडियोस बहुत छोटे होते हैं और ये भी 1 जनवरी 2023 के आसपास लागू होगा, अभी ये लागू नहीं हुआ है, अभी केवल अनाउंसमेंट हुई है अपडेट की, ये 1 जनवरी 2023 से ये भी लागू हो जाएगा। तो अब बात करते हैं तीसरे अपडेट की। तीसरा अपडेट भी छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा अपडेट है और ये शॉर्ट क्रिएटर्स के लिए भी बहुत अच्छा है, डांसर्स के लिए भी अच्छा है और एवरी क्रिएटर जो कि शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं उन सभी के लिए अच्छा है। पहले YouTube ने डिसाइड किया था शॉर्ट फंड जो कि कुछ सेलेक्टेड क्रिएटर्स को ही मिल पाता था, वो भी काफ़ी लार्ज अमाउंट में उनके व्यूज़ जाते थे तब, बट ये एवरी क्रिएटर के लिए पॉसिबल नहीं था। बट अब शॉर्ट वीडियोस भी मोनेटाइज होने जा रहे हैं, जैसा कि सुनने में आया है कि 10 वीडियोस जब अपन देखते हैं उसके बाद अगर ऐड आता है तो उस ऐड का रेवेन्यू 10 वीडियोस में बराबर बांटा जाएगा। तो ये अपडेट भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि काफ़ी सारे शॉर्ट क्रिएटर्स हैं जो कि वीडियो बनाते हैं और उनको कुछ नहीं मिलता है, उनके लिए भी ये गुड न्यूज़ है कि आपके शॉर्ट्स भी मोनेटाइज होने जा रहे हैं।
तो ये भी बहुत अच्छी न्यूज़ है और डांसर्स के लिए भी अच्छी है, क्योंकि डांसर शॉर्ट वीडियो बहुत बनाते हैं इंस्टाग्राम के लिए, मौज के लिए, तो वो उन वीडियोस को भी यूट्यूब पर अपडेट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। तो ये तीनों अपडेट्स कमाल के हैं और तीनों अपडेट्स 1 जनवरी 2023 से लागू होने की संभावना जताई जा रही है। अभी कोई डेट फिक्स नहीं हुई है, बट ये एक संभावना है कि 1 जनवरी से ये लागू हो जाएंगे। तो वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको कौन सा अपडेट अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पर एंड तक बने हुए हैं वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।